अब हो रखा है मौसम एकदम खतरनाक यहाँ पे, अभी सबसे बेस्ट टाइम है एक्चुअली। और भाई ने एक नई स्कूटर ली है, इससे बहुत आसान हो जाती है जिंदगी समर के लिए। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मुझे पता है बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली लास्ट वीक नहीं डाल पाया था, उससे पहले वीक डाला था। बिजी बहुत ज़्यादा रह रहा हूँ घर में, और अभी क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा बिजी है। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो, और इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि 2023 चल रहा है, राइट? 2023 में अगर आपको स्वीडन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको आना चाहिए या नहीं, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको देख के थोड़ी बहुत समझ आ जाए और डिसीजन लेने में आपको ये वीडियो हेल्प करे। तो बात करें इस साल की, मतलब अभी हम लोग को थोड़ा सा ना, हम लोग थोड़ा कंसर्न है क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस हर चीज़ के यहाँ पे बढ़ गए, ओवरऑल दुनिया में हर जगह पे बढ़ गए, बट मैं यहाँ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हम लोग को डिफरेंस फील हो रहा है। बात करें अगर रेंट की, रेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, और बात करें अगर आप घर ले रहे हो यहाँ पे, और घर लिए हो, जैसे हमने भी लिया है, तो उसके लिए हमने लोन ले रखा है, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो हम लोग का ईएमआई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बात करूँ 2019-2018 की, स्वीडन में इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास हुआ करता था, आज वो हो गया है 4.5%। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि सैलरी जो है यहाँ पे, जो लोग काम करते हैं आईटी में काम करते हैं या फिर कहीं और जॉब करते हैं, वहाँ पे जो चेंजेस उतने ज़्यादा नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं और सैलरी उतने की है, ना ही हाइक यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, जैसे आपको पता है मैं पहले ही बताया हूँ, हाइक भी नहीं मिलता। आप कंपनी स्विच करते हो, अगर आप बहुत लो सैलरी में हो तो हाँ स्विच करते हो तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, बट अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे सैलरी में हो और आप स्विच करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर इस इंटरेस्ट और अकोमोडेशन को देखा जाए, यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको जो रेंट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, अब मेजर चंक फ्रॉम योर सैलरी विल गो टू योर अकोमोडेशन और रेंट, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जब आप दो जन आ रहे हो, आपके साथ बच्चे भी हैं और आप अकेले अर्निंग हो, तब बहुत डिफिकल्ट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आए हैं अभी 6-7 महीने से, बट यहाँ पे वो उनमें से एक जन आईटी में है और दूसरा कोई और प्रोफेशन में, तो वो जॉब ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो लोग एक बहुत ही अच्छी लाइफ जो लीड कर रहे थे इंडिया में, वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। दिक्कत तो हो रही है बट वही सच है, अगर आप अकेले अर्निंग हो और एक दो जन इंडिया में जॉब कर रहे हो, बस आप आ रहे हो इसलिए आप अपने वाइफ को भी बोल रहे हो कि आ जाओ, देन यू शुड नॉट कम इन दैट केस। भले ही वेदर अभी आपको जैसा दिख रहा होगा पूरा ग्रीनरी है और हर जगह मतलब इतना ज़्यादा सुंदर है, अगर कोई घूमने आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी रात ऑलमोस्ट 11 बजे हमारे यहाँ पे सनसेट हो रहा है, सब सही है, दिन भी जल्दी हो जाता है, बट हाँ सोने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, अगर आप कर्टन्स वगैरह अच्छे से लगाते हो तो फिर आपको अंधेरा रहता है तो नींद जल्दी नहीं खुलती, वो बात अलग है, समर इज़ गुड। बट आप अगर यहाँ पे हो आपको पता होगा, और नहीं हो तो यहाँ पे जब नवंबर से लेके मार्च तक जो वेदर रहता है, इवन अप्रैल मिड तक जो वेदर रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी रहता है, बहुत डिप्रेसिंग रहता है। हम लोग तो 4 साल से फिर भी एडजस्ट कर चुके हैं, बट अभी कोई नया आ रहा है तो ऑब्वियसली, मैं आया था एज अ बैचलर, ठीक है, तो बैचलर क्या है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आ रहे हैं हाँ रह रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आए थे रह गए, बट अगर कोई फैमिली वाला बंदा आ रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ तो बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होती है यहाँ पे, सोशल लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप एक दूसरे कंट्री आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली है तो दैट्स ओके, बट कोई भी आता है तो फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, और फ्रेंड्स आप बना लेते हो आप वीकेंड्स वगैरह में जाके मिलजुल के कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, बट आप हमेशा उनके साथ नहीं जा सकते क्योंकि कभी किसी को कुछ काम रहता है, कभी किसी को कुछ काम रहता है, फिर क्या होता है कि अकेले पड़ जाते हैं। मैं भी कभी कभी फील किया हूँ, हम लोग भी फील करें, बट अभी हमने ये डिसीजन लिया है तो इसी के साथ ही चलना पड़ेगा, बट सच वही है, थ्रू आउट दोज टाइम्स यू विल फील डिप्रेस्ड, जल्दी अंधेरा होता है, हर जगह स्नो रहता है, कहीं नहीं जा सकते, और आपके बच्चे अगर हो उसके लिए स्ट्रॉलर पकड़ो, स्ट्रॉलर को लेके स्नो में जा रहे हो, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है। एक अच्छी खासी लाइफ छोड़ के यहाँ पे इतनी मुश्किलें फेस करना अगर आपको अच्छा लग रहा है देन यू शुड कम। आपने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी बहुत सारे वीडियोज़ में कि यूरोप में जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता, आप 9 बजे से काम चालू करते हो या 8 बजे से चालू करते हो और 5 बजे 4:30 बजे समर में तो 7 घंटा वर्किंग रहता है, काम करते हो उसके बाद लैपटॉप बंद, दैट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम योर वर्क और आपको कोई मैनेजर कॉल करेगा नहीं, मतलब अनलेस कोई बड़ा इशू है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और आपके प्राइवेट टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा जाता है, तो आपको अननेसेसरी कॉल्स वगैरह नहीं करते हैं। ये बात अलग है अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जैसे ऑन साइट होता है ना डेप्यूटेशन में, तो मैनेजर्स ऑब्वियसली
होते हैं, आपको पता ही है कैसे मैनेजर होते हैं, तो वो लोग परेशान कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयड हो तो इट्स प्रीटी चिल, ठीक है। लेकिन लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस तो सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ऑफिस का काम करने के बाद थोड़ी आप रेस्ट कर सकते हो अगर आप दो जन हो। ऐसा तो नहीं हर काम अपनी वाइफ कर रही है, जैसे अभी हमारी एक बेटी हुई है तो हम लोग को काम डिवाइड करना पड़ता है, किचन का काम डिवाइड करना पड़ता है, ऑल्दो यहाँ पे डिश वॉशिंग मशीन रहती है, वैक्यूम क्लीनर रहता है, सब कुछ रहता है, लाइक टू मेक योर लाइफ इजी, एट द एंड ऑफ द डे खुद करना पड़ता है, राइट। इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे जो सर्वेंट्स रहते हैं या फिर जो काम करने आते हैं आपके घर, कपड़े धो रहे हैं या फिर पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे या फिर आपके लिए खाना बना रहे 3 टाइम, यू कैन अफोर्ड देम वेरी इजीली क्योंकि प्राइस बहुत कम रहता है चार्ज, राइट। यहाँ पे आप ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप किसी को रखते हो ऐसे तो आप जितनी सैलरी आप ला रहे हो उसका 80-90% आप उनको दे दोगे, ठीक है, अनलेस यू आर वेरी रिच आप रख सकते हो, बट जब कोई वहाँ से आ रहा है यहाँ पे जॉब के लिए इम्पॉसिबल, ठीक है, वो चीज़ भूल जाओ। यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं है, हमारे पेरेंट्स जब थे हम लोगों को एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा हेल्प हो जाता है, लाइक वो लोग थोड़ा बच्चे को देख रहे, थोड़ा खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं, फिर साफ़ सफाई में थोड़ा हमारी हेल्प हो जाए। यहाँ पे हम लोग पूरा अकेले हैं तो सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस तो है जॉब में, लेकिन फिर आपको एडिशनल काम को करना पड़ता है, ग्रॉसरीज, आपको घर सफाई हर हफ्ते में करनी होती है, फिर उसके बाद आपको बच्चे को लेके जा रहे हैं, कोई स्कूल लेके जा रहा है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है। मतलब अभी तक हम लोग उस स्ट्रेस लेवल में गए नहीं है, बट हाँ अब अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मुझे ये अच्छा लगता है खुद का काम खुद करूँ, बिकॉज मैं जहाँ से आया हूँ हमारे घर में कभी सर्वेंट्स नहीं थे बिकॉज ऑफ फिनेंशियल कंडीशंस। हम लोगों को ये सिखाया कि खुद का काम खुद करो, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हम लोग तो कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है या फिर आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे सोशल लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, मतलब आप, मैं भी यहाँ पे हूँ, आप देख रहे हो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई एक दो आ रहा होगा रनिंग करने के लिए, वो अपने काम में बिजी है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मतलब मेरे ऑफिस के दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं कि बस ऑफिस में ही हम लोग बात करें, मैं उनके घर जाता हूँ, आई हैव टू मेक दैट एफर्ट कि मैं यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा यू नो फ्रेंडशिप बनाऊँ, ऐसा नहीं कि फेक वाला फ्रेंडशिप, अच्छा खासा वाला फ्रेंडशिप, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे स्वीडिश नहीं आती है, वो लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं जब देखता हूँ वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं स्वीडिश में, वो जो बॉन्डिंग होती है हमारे साथ थोड़ी सी इंग्लिश में ना, वो लोग भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इनका नेटिव लैंग्वेज स्वीडिश है, तो आपको स्वीडिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे अगर आप नॉन आईटी फील्ड में हो। नॉन आईटी में भी इंग्लिश में भी कहीं कहीं जॉब आपको मिल सकता है, बट मोस्टली आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में स्वीडिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक फ्रेंड है 2 साल पहले आया था और अभी सीख गया है, तो अगर आप सीखना चाहते हो और अच्छे से आप एफर्ट डाल रहे हो तो इट्स गुड, बट कितने लोग करेंगे वो अलग बात है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक जन अगर जॉब कर रहा है और आपकी फैमिली है तो सेविंग्स उतनी नहीं होती है क्योंकि सैलरी कम है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जितनी मेरी बात होती है दोस्तों के साथ, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सैलरी में इंप्रूवमेंट हुआ है, और अगर आप स्विच वगैरह कर रहे हो, इफ़ यू हैव द गुड स्किल सेट, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में लोग जॉब ले रहे हैं, लाइक 30 लाख्स पर एनम और 40 लाख्स विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 10-12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। क्या फ़ायदा, हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे, पैसा कमाने के लिए, राइट। बट हाँ, वो मेरा चेंज हो गया कि मुझे इतना अभी, मतलब पर्सनली व्हाट आई फील कि मेरे को एक अच्छी लाइफ यहाँ पे लगती है, यहाँ पे वेदर अच्छा रहता है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, लोग रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, सब कुछ रूल के हिसाब से होता है, राइट। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ, मुझे अच्छा लगता है। बट जिसका मेन मोटो ये है कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो चीज़ आप इंडिया में भी कर सकते हो, इफ़ यू आर लाइक फाइन विथ द काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू आर इन, और जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा हूँ वो, या फिर जो भी आपको अगर वहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, आई डोंट थिंक पैसा एक फैक्टर हो सकता है यहाँ आने के लिए आज के टाइम पे 2023 की मैं बात करूँ तो। जिसका मोटो ये रहता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और सेविंग्स बहुत ज़्यादा करूँगा, नो दैट्स नॉट ट्रू माई फ्रेंड। तो ये वाली स्कूटर चलती है 20 किलोमीटर पर आवर, नॉर्डिक एडिशन है तो कुछ रूल्स है, इससे ज़्यादा नहीं, बट मक्खन है मक्खन, इसको पकड़ के चलो कहीं भी। एक और जो दिक्कत आपको होगी यहाँ पे वो है गाड़ी के लाइसेंस लेने में। अगर आप
एक सजेशन मैं आपको देता हूँ, अगर आप इंडिया में गाड़ी चलाते हो, अगर आपके पास लाइसेंस है कार का, पहला साल जो है वो आपको यहाँ पे बिना लाइसेंस के आप चला सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आओ यहाँ पे, गाड़ी रेंट करो, चलाओ बिंदास एक साल, रूल्स वगैरह अच्छे से जान लो, और उसके बाद जब एक साल हो जाए फिर आप यहाँ के जो लोकल स्कूल्स होते हैं ट्रैफिक स्कूला, वहाँ जाके एक दो क्लासेस लो, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक दो क्लासेस लेने के बाद थियरी एग्ज़ाम होता है वो दो, और लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। बट जैसे मेरा लाइसेंस इंडिया में था नहीं, बट ऑल्दो मेरे को थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है, मेरा लाइसेंस था नहीं, तो अभी 4 साल हो गए, मैं अभी सोच रहा हूँ सीखूँगा। लेकिन अगर आप शुरू से सीखोगे तो चांसेस है आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा यहाँ पे, बट डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सीखते हो। बट हाँ, 25-30 हज़ार स्वीडिश क्रोना जो है वो लग जाएगा आपको इजीली। तो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं आप लोग को डराऊं और आपको डिमोटिवेट करूं कि यहाँ पे ना आए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाह रहा था। हाँ, अगर 2018-19-20 की बात करें कुछ अलग था, बट यहाँ पे अभी सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब है, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना और इस वीडियो को देखना। बट डरना मत, बैचलर हो तो बिंदास आ सकते हो, फैमिली वाले हो, बच्चे बच्चे हैं, एक जन जॉब कर रहा है, तो थोड़ा सोचना, ठीक है। बाकी सब कुछ बढ़िया है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। बाय बाय।